हेलो बच्चों, सोनालिका ई गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो बच्चों? हम तो बहुत अच्छे हैं। बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये बताओ, पर्वत यानी कि माउंटेन्स किसे किसे पसंद है? मुझे बहुत ज्यादा। मुझे भी। तो बच्चों आज हम जानेंगे विश्व के सबसे प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखलाओं यानी कि माउंटेन रेंजेस के बारे में। एक पर्वत श्रृंखला पहाड़ियों की श्रृंखला है जो समान रूप, संरचना और संरेखण में समानता के साथ होती है, जो एक ही कारण से उत्पन्न होती है। बच्चों आज हम विश्व की पांच प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं और उनकी सबसे ऊंची चोटी यानी कि पीक के बारे में जानेंगे। बच्चों सबसे पहले हम जानेंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में। हिमालय एशिया में एक पर्वत श्रृंखला का रूप है जो भारतीय उपमहाद्वीप के मैदानी इलाकों को तिब्बती पठार से अलग करता है। ये तृतीयक काल का युवा तह पर्वत है जो अंतर महाद्वीपीय टक्कर के कारण टेथिस सागर के ऊपर मुड़ा हुआ था। यह सिंधु और ब्रह्मपुत्र घाटियों के बीच पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप के आकार में लगभग 2,500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चों इस पर्वत श्रृंखला को हिमालय इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बर्फ यानी कि हिम से ढका हुआ रहता है। बहुत ठंड होती है हिमालय पर। दुनिया भर से माउंटेन ट्रैकर्स हिमालय पर चढ़ने आते हैं। माउंट एवरेस्ट हिमालय की हाईएस्ट पीक है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 8,848 मीटर है और ये दुनिया की भी हाईएस्ट माउंटेन पीक है। बच्चों हिमालय के बाद आता है एंडीज माउंटेन रेंज या एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज या एंडियन पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे लंबी महाद्वीप पर्वत श्रृंखला है जो लगभग 7,000 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारे के साथ एक सतत उच्च भूमि द्वारा बनाई गई है और इसका हाईएस्ट पीक है अकोंकागुआ जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 6,961 मीटर है। एंडीज माउंटेन रेंज के बाद नंबर आता है द आल्प्स माउंटेन रेंज का। आल्प्स पर्वत श्रृंखला यूरोप की सबसे ऊंची और सबसे व्यापक पर्वत श्रृंखला प्रणाली है जो 8 अल्पाइन देशों फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, मोनाको, लिक्टेस्टीन, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्लोवेनिया में लगभग 1,200 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये यूरोप की जलवायु के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका हाईएस्ट पीक है माउंट ब्लांक जो समुद्र तल से 4,808.73 मीटर ऊंचा है। बच्चों तीन पर्वत श्रृंखलाएं तो हमने देख ली, अब चौथे नंबर पर है द रॉकीज माउंटेन रेंज यानी कि रॉकीज पर्वत श्रृंखला। पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में स्थित रॉकी पर्वत श्रृंखला पश्चिमी कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया के उत्तरी भाग से 4,800 किलोमीटर से अधिक दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यू मैक्सिको तक फैली हुई है। ये सार्वजनिक पार्कों और वन भूमि द्वारा संरक्षित है और विशेष रूप से लंबी पैदल यात्रा, शिविर, पर्वतारोहण, मछली पकड़ने, माउंटेन बाइकिंग, स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग के लिए एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। इसका हाईएस्ट पीक है माउंटेन अल्बर्ट जिसकी ऊंचाई है 4,401 मीटर। बच्चों हमारी माउंटेन रेंजेस की लिस्ट में पांचवें नंबर पर है द एटलस माउंटेन्स रेंज यानी एटलस पर्वत श्रृंखला। एटलस पर्वत श्रृंखला मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनिशिया के माध्यम से लगभग 2,500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह भूमध्य सागरीय और अटलांटिक तटरेखाओं को सहारा रेगिस्तान से अलग करता है। इसका गठन प्री कैम्ब्रियन काल के दौरान हुआ था। बच्चों इसका हाईएस्ट पीक है टॉपकल जिसकी ऊंचाई है
4167 मीटर। प्यारे बच्चों, पर्वत श्रृंखलाओं की स्थिति किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती है। यह नमी से भरी हवाओं को भी रोकता है। उदाहरण के लिए हिमालय मध्य एशिया और साइबेरिया से आने वाली अत्यंत ठंडी हवाओं को रोककर जलवायु अवरोध का काम करता है। ये पर्वत श्रृंखलाएं नदियों का उद्गम स्थल भी है। तो बच्चों, कैसा लगा आपको बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में जानकर? बहुत ही मजेदार था, कुछ नया जानने को मिला। बहुत बढ़िया बच्चों, सोनालिका ई गुरुकुल आपके लिए हमेशा कुछ ऐसा लाने की कोशिश करता है जिससे हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे कुछ न कुछ जरूर सीखे। तो बच्चों, इसी बात पर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं जल्दी किसी नई सीख या नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा बच्चों, बाय।